ये क्रश पता क्या है? सुनना, ये क्रश है कपोल कल्पना। अरे फैंटेसी बे। ये डायलॉग मैंने अभी देखा कल मूवी में, परसों मूवी में, वो पति पत्नी और वो मूवी चल रही थी, तो उसमें वो आयुष्मान खुराना का भाई है ना, वो डायलॉग बोलता है कि ये कपोर कल्पना है, यानी कि फैंटेसी है, क्रश इज ओनली अ फैंटेसी। ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्रश क्या है? क्रश क्या है? तो मिलेगा उससे कुछ? आप तुम दिशा पटानी को अपना क्रश बना के बैठे हो और उसके लिए टाइम खराब कर रहे हो, तुम्हें जानती भी नहीं हो ना कभी जानेगी। तुम्हें लगता है कि दिशा पटानी तुम्हें जानेगी कभी? दीपिका पादुकोण की तो शादी हो गई। तुम्हें लगता है जिंदगी में कभी दिशा पटानी को पता लगेगा रमेश कौन था? जोरविंद सर की क्लास में चैट में सवाल पूछ रहा था। क्या हो जाएगा क्रश से? कपोल कल्पना है बेटा, कपोल कल्पना, फ्रिक्शन, क्या बोलते हैं उसको, फैंटेसी, नथिंग दैट। और इस फैंटेसी के लिए तो अपना रियल फ्यूचर खराब कर रहे हो। जरा सोचो, इस फैंटेसी के चक्कर में तुम अपना रियल फ्यूचर खराब कर रहे हो, तो सोचो तुम कितना कुछ गवा रहे हो, कभी सोचा है? तो कपोल कल्पना जो कभी पूरी नहीं हो सकती, उसके पीछे टाइम खराब करना ही क्यों? ट्राई टू अंडरस्टैंड। और रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि अगर तुमने मेहनत की, तुम्हारा नीट में सिलेक्शन हुआ, और नीट में कल को तुम टॉप कर गए, ऑल इंडिया रैंक बना गए, और तुम्हारा टीवी में इंटरव्यू आ रहा है, हो सकता है वो दिशा पटानी देख ले। समझ में आ रहा है? ये रियलिटी हो सकती है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, है ना, रियल थिंग पे जाओ।